उपचुनाव के नतीजों पर पहली बार बोली मायावती। कहा, जिस दिन राज्यसभा से इस्तीफा दिया था उसी दिन तय कर ली थी आगे की रणनीति। यूपी की दोनों वीआईपी सीट पर जीत से सपा मुखिया अखिलेश यादव गदगद। 2019 के आम चुनावों में गठबंधन जारी रहने का संकेत दिया। गोरखपुर और फूलपुर की जीत का सेहरा अखिलेश ने दलितों, पिछड़ों और गरीबों के सिर पर बांधा। कहा, इस जीत में बड़ा राजनीतिक संदेश। हार से हताश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीबीएसई का 12वीं का अकाउंट पेपर लीक, व्हाट्सएप पर कॉपी शेयर की जा रही थी। टीडीपी के बाद अब सरकार के एक और सहयोगी एआईएडीएमके का संसद में हंगामा। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर धरना दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गतिरोध खत्म करने की गुजारिश की। आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर टीडीपी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक, राज्यसभा फिर स्थगित। एआईएडीएमके में शशिकला के करीबी टीटीवी दिनाकरण ने की राजनीतिक दल एएमएमके की घोषणा। कहा, वही है जयललिता के असली उत्तराधिकारी। और पाकिस्तान ने भारत में अपने उच्चायुक्त सुहेल महमूद को इस्लामाबाद वापस बुलाया। पाक राजनयिक ने भारत पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।